आजके इस प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित और जिन्होंने अपने सारगर्भित विचार को भी हम लोगों के सामने रखा, इसे सम्माननीय श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी, भारतीय विचार संस्था न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश पिंपलेकर जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वत वृंद, प्रबुद्ध नागरिक बंधु, बहनों और भाइयों, मुख्य अतिथि महोदय ने जिन विचारों को संक्षेप में स्पर्श करते हुए सामान्यतः हम सभी को सोचने का दिशा क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपने संकेत किया, और आपने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में अपने प्रयास में पूरे देश में समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। संघ के प्रेरणा से ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों ने जिस प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका प्रस्तावना में उल्लेख भी आपने किया। और भोपाल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके लिए कोई विशेष और अधिक का कहने की आवश्यकता ही नहीं। मैं यहाँ जब सभागार में देख रहा हूँ, समाज को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य से, अपने विद्वत्ता से, ज्ञान से, अनुभव से समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले लोग ही यहाँ बैठे हैं, तो उनके सामने पुनः और कुछ क्या कहूँ। तो कई बार लगता है कि जो जानते हैं उसी बात को बार बार हम लोग स्मरण करते, पुनः स्मरण करते हैं, ऐसे ही है। और ऋषि कुमार शुक्ल जी ने जिन बातों को थोड़ा सा बताया, मैंने सामान्यतः उन्हीं बातों को सोच कर आया था, आपने बता ही दिया। तो मैंने सोचा था प्रारंभ में जिन पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने देश के लोकतंत्र के मंदिर के रक्षा के लिए बलिदान दिया, उनके स्मरण में करूंगा। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ही जब मुख्य अतिथि है, स्वाभाविक रूप से उनको उसका स्मरण है ही, तो उन्हीं के उन भावनाओं के साथ हम सभी जुड़े ही हैं। ऐसे लोगों के कर्तृत्व और बलिदान के कारण ही देश में करोड़ों लोग चैन से नींद ले सकते हैं। तो कोई सरहद पर देश की रक्षा के लिए सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यंत कठिन स्थान पर भी, जहाँ खून जम जाता है, ऐसे जगह पर भी वो देश के एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो स्वाभाविक है उन लोगों के इस परिश्रम, त्याग, बलिदान के कारण इस देश के तरक्की के लिए बाकी लोग प्रयत्न कर सकते हैं, कर रहे हैं। अभी अभी हमने अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता के उसका एक उत्सव के रूप में हमने मनाया,
और यह भी संकल्प इस देश ने लिया है आने वाले 25 वर्ष यानी स्वाधीनता की शताब्दी जब होगी तब तक के इन 25 वर्षों को हम अमृतकाल ऐसे सोचा है। तो अमृतकाल के क्या ब्यौरा है, उसको क्या क्या उसके डिटेल्स हैं, ये तो हम सोच सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, उसके एक दिशा भी हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से हम जो सोचते हैं कि भारत के अमृतकाल में क्या होने चाहिए, तो पहली चीज है भारत 75 वर्ष पुराना देश नहीं है। हजारों हजारों साल से एक राष्ट्र के नाते भारत इस धरती पर विद्यमान रहा है। केवल इतना ही नहीं, विश्व के मानवता के लिए एक श्रेष्ठ जीवन दर्शन क्या हो सकता है उसके यहां प्रयोग करते हुए यहाँ के समाज ने, यहाँ के लोगों ने विश्व के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। वही कारण है कि हजारों साल यहाँ अन्य देशों के लोग आए, यात्रा किए, उन्होंने यहाँ के बारे में लिख के रखा, यहाँ विद्यार्थी के नाते आए, यहाँ के विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन करके अपने जीवन के रास्ता को, जीवन के मार्ग को, जीवन के अर्थ को, लक्ष्य को समझ कर गए। इसलिए यहाँ के लोगों ने आत्मविश्वास से ये कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मना समसम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा, ऐसे कहने की हिम्मत इस देश के लोगों को रही। इस देश में जन्मे हम लोग दुनिया के लिए अग्रज है, हम बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई के नाते हमारे एक दायित्व होता है। वो दायित्व है अन्य लोगों के लिए योग्य जीवन चलाने के लिए मार्गदर्शन देना, उन सबके रक्षा करना, उनके प्रति स्नेह और आत्मीयता की वर्षा करना। तो इसलिए हमने दुनिया के लोगों को पुकारा, आइए यहां आकर पृथ्वी के सर्व मानवा, उनको बताया स्वम सम चरित्रं शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र को सीखकर यहां से जाइए। ऐसे कहने के हिम्मत और आत्मविश्वास तभी होता है जब ऐसे जीवन चलाए हुए अनुभव हो तब, और अपने लोगों ने ऐसे किया भी था। यही कारण है गुलामी के समय में भी इस देश से गए हुए एक स्वामी विवेकानंद दुनिया की उस रंगमंच पर भारत के महानता को, यहाँ के अध्यात्म को, यहाँ के जीवन दर्शन को वो रख पाए। और केवल इतना ही नहीं, 4 वर्ष वहाँ लोगों ने उनको जगह जगह पर लेके गए इस विचार को सुनने के लिए, जीवन को समझने के लिए। तो ऐसे एक श्रेष्ठ जीवन भारत ने सैकड़ों हजारों साल तक जिया है। चीन के एक राजदूत हू शी उसका नाम, अमेरिका में वो राजदूत रहे, अमेरिका में रहे ये राजदूत स्वयं विद्वान भी थे। उन्होंने एक बार ये कहा, उसके ग्रंथ में भी आया है, वो है कि भारत ने विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर, इंडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड चाइना फॉर नियरली 20 सेंचुरीज। एक भी सैनिक को नहीं भेजा, लेकिन 2000 वर्षों तक भारत का वर्चस्व चीन के जीवन पर रहा है। तो इसका मतलब है, उन्होंने लिखा है,
not politically, not militarily, but culturally. यहाँ के एक बोधि धर्म करके दक्षिण भारत से निकले हुए एक संत चीन में सैकड़ों साल पहले गए और वहाँ के कई गांवों में घर घर में बौद्ध धर्म के चित्र भी है, ऐसे हम सुनते हैं। जीवन के बारे में दुनिया के अन्य देशों में समय समय पर बताने के समझाने के कार्य एक श्रेष्ठ भारत के समाज ने किया है। इस बात को अहंकार से नहीं, आत्मविश्वास से, किसी भी प्रकार के मद से नहीं, लेकिन नम्रता से दुनिया के सामने रखना यह आवश्यक है, क्योंकि आज के समाज में, वर्तमान पीढ़ी में, वह आत्मविश्वास को जागृत करते हुए हमें विश्व के प्रति कौन से दायित्व को निभाना है, हमारी नियति क्या है, इसको समझने के लिए तो ऐसे एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना आवश्यक है। इसलिए अमृत काल में हमें उस दिशा में भारत को ले जाने के कई उद्यम करने पड़ेंगे। एक स्वाभाविक रूप से जो ध्यान में आता है, एक समृद्ध भारत के, समर्थ भारत के, समृद्ध और समर्थ भारत में स्वाभाविक रूप से भारत के आर्थिक स्तर बढ़े, ज्ञान विज्ञान में हम आगे बढ़ें, दुनिया के सामने एक मिसाल स्थापित करें, अन्य देशों के साथ स्पर्धा प्रतियोगिता में हम पीछे न रह जाए, पिछड़ न जाए, इस प्रकार की एक कल्पना रहना स्वाभाविक है। उसके प्रयत्न और प्रयास भी बखूबी हो रहे हैं। केवल 15-20 साल पहले सामान्यतः हम सुनते थे, हम लोग भी कहते थे, हम तंत्र ज्ञान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दुनिया के अन्य देशों में, पश्चिमी देशों से हम 15-20-25 साल पीछे हैं। आज कोई ऐसा नहीं कहता। भारत के लोगों ने कई क्षेत्रों में, अंतरिक्ष में जितने प्रकार के सैटेलाइट्स और मिसाइल्स भारत ने तैयार किए हैं, दुनिया के सामने एक उदाहरण अपने वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया के पांचवे या छह देशों में आज भारत है, ऐसे सामान्यतः लोग मान रहे हैं। उस क्षेत्र के तज्ञ लोग, अध्ययन किए हुए लोग कहते हैं। अभी अभी माइकल सोरो करके जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नोबेल लॉरेट है, उन्होंने आने वाले काल जो है यह भारत के ही युग है, ऐसे उन्होंने कहा। और एक बड़े विख्यात अर्थशास्त्री ने कहा, उनका नाम मैं अभी याद कर रहा हूँ, मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा, किसी ने किसी कार्यक्रम में कहा, किसी गोष्ठी में, द डेकेड इज गोइंग टू बी इंडियाज डेकेड। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू मेक ए करेक्शन, द सेंचुरी इज गोइंग टू बी इंडियाज सेंचुरी, ऐसे उन्होंने कहा। तो विश्व के अध्ययन करने वाले तज्ञ लोग, विशेषज्ञ लोग, विद्वान लोग भारत की इस प्रकार के तरक्की को आज अंदाजा कर रहे हैं, उसके एक फोरटेलिंग उनके तरफ से हो रहा है। अच्छी बात है, भारत की जागृति इन क्षेत्रों में हो रहा है। समर्थ भारत भी होना चाहिए, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है।
एक सुरक्षित भारत होना है तो चारों ओर से अपने को किसी भी प्रकार के संकट से, चुनौती से, आक्रमण से इस देश को बचाने के, इसके सुरक्षा करने के एक दायित्व भारत के है, सरकार के भी है, समाज के भी है। उसमें भी आज भारत एक शक्तिशाली देश के नाते खड़ा हो रहा है। समय समय पर इसका अनुभव भी आ रहा है और अपने देश सुरक्षा के क्षेत्र में तैयार रहे, इसलिए भारत विरोधी शक्तियां समय समय पर कुछ न कुछ कार्रवाई करते हुए अपने को जागृत रख रहे हैं। कई बार होता है कि जो विरोधी लोगों के कारण हमारी जागृति रहती है, इसलिए कभी कभी लगता है उनको धन्यवाद ही देना चाहिए। कभी कारगिल होता है, कभी गद्वा होता है, कभी और कुछ होता है, तो हमारी क्या स्थिति है, एक बार हमारे भी टेस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए हम तैयारी रखने में और चार कदम आगे बढ़ने में हमारे लिए भी एक सावधानी रखकर आगे बढ़ने में खतरे को सामना करने के लिए देश तैयार होता है, एक मानसिकता बनती है, सरकार की तैयारी होती है, सेना की तैयारी होती है, समाज की एक मानसिक सिद्धता हो जाती है। तो इस क्षेत्र में भी आज भारत सर्व प्रकार से सुरक्षित है, ऐसे समय समय पर हमारे सेना के अधिकारी और सरकार के नेतृत्व भारत को आश्वस्त करते रहते हैं और काफ़ी हद तक इस विषय में देश भी मानता है। तो इन विषयों में एक समृद्ध, समर्थ, सुरक्षित भारत होने के का जो है वो अमृतकाल के एक एजेंडा में जरूर आ सकता है, क्योंकि वो आवश्यक है। लेकिन श्रेष्ठ भारत बनने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होता। किसी भी देश के बारे में सोचना है तो वहां के लोग कैसे हैं ये भी देखना चाहिए। तो इसलिए वहां के लोगों के बारे में जब सोचते हैं तो लोगों के, अभी मुख्य अतिथि महोदय ने कई विषयों के बारे में कहते समय अपने समाज में कुछ कमियां जो है उसके बारे में भी आपने उल्लेख किया, तो वो भी अपने को समाज के दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में अपने को विचार करना ही पड़ेगा। पिछले 75 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न जो भी हुए उसके समीक्षा हो सकती है, उसमें कमियां क्या रही वो तो हो सकता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अनावश्यक वो एक पुराने दिनों के इतने विवादित विषयों को बार बार करने से समाज में एक सकारात्मकता से आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है उससे हम क्यों भटकें। लेकिन एक विषय इस संदर्भ में कहना है, वो है स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाने के अमृतकाल के प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। हम स्वाधीन तो हुए 1947 के 15 अगस्त को, वह स्वाधीनता एक दृष्टि से राजकीय, राजनीतिक क्षेत्र का था, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऐसे लोग कहते हैं, पॉलिटिकल लिबरेशन, वो भी पूर्ण होने में और 2-3 साल लगे। 1947 में होने के पश्चात भी 1950 में जब भारत को एक गणतंत्र के नाते हमने स्वीकार किया तब हमारे पॉलिटिकल लिबरेशन के भी अध्याय पूरा हुआ, यानी वहां तक हम पहुंचे। तो इसलिए स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, हम स्वतंत्र हुए क्या? स्वाधीनता और स्वतंत्र, इन दोनों में जो शब्द स्व है
ये महत्व के हैं। ये स्व भारत के आत्मा को संकेत करता है। स्व क्या है भारत के? केवल अंग्रेज यहां राज नहीं करते हैं, अपने लोग करते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हो गए क्या? इसमें स्व क्या क्या है? तो इसलिए तंत्र स्व होना, अपने देश के तंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, ये सारी बातें हैं, चुनाव की व्यवस्था, क्या ये सारे अब भारत में स्व के आधार पर है क्या? अंग्रेज गए, जाने के बाद जिस प्रकार के देश का निर्माण होना चाहिए इसकी चर्चा होनी थी, उस प्रकार हुई नहीं। देश के आजादी के आंदोलन के दौरान कई मूर्धन्य लोगों ने भारत के बारे में एक जो सपने देखे थे, विचार रखे थे, उसके संदर्भ में उन्होंने लिख के रखा है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी जी ने की, हिंद स्वराज्य की पुस्तक उन्होंने 1909 में लिखी, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचार रखे, महात्मा मालवीय जी ने अभ्युदय नामक विषय ने कहा, हिंदुत्व के आधार पर कैसे होने चाहिए सावरकर ने रखा, कई लोगों ने भारत, स्वतंत्र भारत के बारे में क्या सपने होने चाहिए ये रखा। क्या उसकी चर्चा हुई 47 के बाद? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जरूर इस देश के बहुत सारे विद्वान लोग कई महीनों तक चर्चा करते हुए एक संविधान तो बनाया है, लेकिन तंत्र के दृष्टि से हम देखें तो एक दृष्टि से उसके बाद पिछले इतने दशकों में हम विदेशी गुलामी मानसिकता से मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए लिबरेशन ऑफ द माइंड ये नहीं हुआ। कॉलोनाइजेशन जो है, औपनिवेशिकता, वह पूर्ण रूप से दिमाग से गई नहीं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जो माइंड कॉलोनाइज हुआ है, इसलिए इसको डीकॉलोनाइजेशन करने की आवश्यकता है, इस औपनिवेशिकता से भारत को मुक्त करना चाहिए। जो मन के, बुद्धि के, बौद्धिक दासता है, इस बौद्धिक दासता को, बौद्धिक गुलामी से भारत को मुक्त करना है। उसके लिए तंत्र में, व्यवस्था में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, सिस्टेमिक चेंज। हमने एक सम्मिश्र अर्थव्यवस्था को लिए, महात्मा गांधी जी ने भारत के सभ्यता के आधार पर यहां होनी चाहिए ऐसे उन्होंने एक विचार रखा 1909 में हिंद स्वराज में, उसकी चर्चा की है क्या? नेहरू जी ने कहा इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जब उसको पहली बार पढ़े थे तब भी मैं आई डिड नॉट अग्री विथ इट एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रेलेवेंट टुडे, ऐसे उन्होंने उसको एक ही वाक्य में खारिज कर दिया। पत्र में गांधी जी ने पत्र लिखा था नेहरू जी को, हिंद स्वराज के बारे में चर्चा हो, देश के सामने इस विषय को लाए, ऐसे उन्होंने कहा, चर्चा हो ऐसे कहा गांधी जी ने, लेकिन नेहरू जी ने कहा चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात खत्म हो गई, गांधी जी ने किसी प्रकार के आग्रह नहीं किया और गाड़ी आगे बढ़ी। महलानोबिस मॉडल के आधार पर हमने एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो ऐसे कई चीजें तंत्र में जो हैं। अब भारत में कई बातें ऐसे होती हैं, कई बार मैं एक उदाहरण बताता हूं, यहां भी बताऊंगा क्योंकि उस उदाहरण से विशेष स्पष्ट हो जाता है। बात बहुत सरल है,
देश के बजट पार्लियामेंट में शाम को 5:30 बजे पेश होता था। अटल जी प्रधानमंत्री बनने तक उस वर्ष तक सामान्यतः 5:30 बजे भारत के स्टॉक मार्केट बंद होता है, बिजनेस बंद होता है, ऑफिस बंद होते हैं, उस समय पेश होता था। क्यों? क्योंकि वो समय 11 बजे था इंग्लैंड में सुबह के, वहां मार्केट खुलता था, वही चलता था अंग्रेजों के जमाने से, उसको बदलने नहीं। अटल जी के सामने कुछ लोगों ने इस विषय को लाया। उस सरकार में सुबह 11 बजे बजट को पेश करने की प्रथा प्रारंभ हुई, आज चल रही है। केवल अपने देश की दृष्टि से सोचना चाहिए, भारत केंद्रित सोच वो करना चाहिए था। भारत केंद्रित सोच नहीं होता है, इसलिए हम अभी भी कैसे सोचते हैं, हम कहते हैं कि मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट कौन सा देश है और हम क्यों मिडल ईस्ट कहें? हमारे लिए तो मिडल ईस्ट नहीं है, वो वेस्ट एशिया है, लेकिन हम मिडल ईस्ट कहते हैं क्योंकि उनके लिए मिडल ईस्ट है। यानी भारत के जो चिंतन के जो केंद्र बिंदु है वो यूरोप में है। यही कोठारी जी, जो डीएस दौलत सिंह कोठारी, जो भारत के शिक्षा नीति के 1964 में बनाया, उसके अध्यक्ष थे उस समिति के, कोठारी आयोग, उन्होंने यही कहा, भारत के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भारत से बाहर है। तो यूरोप केंद्रित सोच यानी कॉलोनाइज्ड माइंड। पिछले दिनों में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रमणा, वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ से 2 जज पहले, ललित जी से पहले, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भारत में जो न्यायपालिका व्यवस्था है, जुडिशियरी, यह भारत के मिट्टी के, भारत के मानस के, भारत के समाज के अनुरूप नहीं है। जुडिशियरी शुड बी इंडियनाइज्ड, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइंड। ये जस्टिस रमणा कहते हैं, इस देश के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने अपने जीवन भर जुडिशियरी में काम किया है, वो कह रहे हैं ये भारत के अनुकूल नहीं है। तो क्यों है भाई ऐसे? यदि अनुकूल नहीं है तो कुछ लोग बैठकर उसको ठीक करना चाहिए था, नहीं किया। तो इसलिए कई बातें ऐसी होती हैं, तो बातें छोटी छोटी रहती हैं लेकिन आदत होनी चाहिए, महत्व उसमें आ जाता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि जो भारत के राष्ट्रीय पंचांग है उसको हम उपयोग करना चाहिए। सरकार ने नेहरू जी के जमाने में किया, देश के मूर्धन्य ज्योतिष के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय पंचांग बनाया, लेकिन वो लागू हुआ ही नहीं, केवल आकाशवाणी में बताते हैं, गैजेट में प्रिंट होता है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय से प्रारंभ किया, अब प्रधानमंत्री कार्यालय से जाने वाले पत्र में राष्ट्रीय पंचांग की तिथि लिखेंगे, जो दिनांक लिखना है आज 13 दिसंबर है तो वो भी लिखेंगे, लेकिन पौष कृष्ण पंचमी वो भी लिखेंगे। यानी भारत के सोच होना चाहिए, यह अपने को लगना चाहिए। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना पड़ता है। विक्टोरिया रानी जहां खड़ी थी वहां सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति को, प्रतिमा को वहां खड़े करने हैं, सिंबॉलिक है। लेकिन देश में सिंबल्स ऑल्सो प्ले ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। भारत के राष्ट्रध्वज एक सिंबल है, लेकिन उसके सम्मान देना चाहिए, यह देशभक्ति कहलाती है। तो इसलिए भारत को यूरोपीय मानसिकता से, यूरोपियन माइंड से, कॉलोनाइज्ड माइंड से भारत को मुक्त करने के कई बातें करनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति इसी दृष्टि से कुछ प्रयत्न है, उसमें ठीक है, उसमें भी लागू करने में समस्या हो सकती है, लेकिन अपने को दिशा क्या है एक बार तय हो गया
तो उस दिशा में हम जाएंगे, प्रयास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम देश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इन बातों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आग्रह पूर्वक इस विषय को उन्होंने रखा। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो स्वतंत्रता के भावना से आगे बढ़े, उन्होंने कहा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र ने सत्याग्रह नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ, वो तो एक रसायन शास्त्र के तज्ञ थे, केमिस्ट थे, प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने अपने केमिस्ट्री के पुस्तक को हिंदू केमिस्ट्री लिखा। केमिस्ट्री में हिंदू केमिस्ट्री क्या होता है, लेकिन एक भावना है। 1905 में लिखा उन्होंने, तो हिंदू केमिस्ट्री लिखने की क्या जरूरत थी, एक मैसेज देने है, एक संदेश देने। हिंदू सभ्यता के लोगों ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या किए हैं यह सामने आने चाहिए, नहीं तो हमारे यहां क्या होता है, भारत में विज्ञान की कोई परंपरा ही नहीं थी, ऐसे कहने वाले लोग भी रहे हैं, विज्ञान की कोई परंपरा नहीं थी, हम तो अंध युग में थे, अंधकार में थे। हमारे यहां जो भी ज्ञान आया, जो भी विज्ञान आया, जो भी तंत्र ज्ञान आया, वो सब पश्चिम से आया। हाँ, हर चीज हमने किया, भारत अन्य देशों में कुछ भी नहीं किया ऐसे नहीं है, ऐसे ही न्याय व्यवस्था व्यवस्था मार्क टुली भारत में इतने वर्षों से रहे, बीबीसी के जो पत्रकार हैं, उन्होंने भारत में ही रहने के लिए, रिटायर होने के बाद इंग्लैंड में जाने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई हैव अडॉप्टेड भारत एज माय होमलैंड, तो यहीं रहते हैं। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन में यहां परिवर्तन होना चाहिए। आप लोग जो अंग्रेजों के जमाने के, जो वो स्वयं अंग्रेज हैं, वो कह रहे उस जमाने के ब्यूरोक्रेसी, उस जमाने के प्रशासन के प्रणाली को, उसी को थोड़ा टिंकरिंग करके, थोड़ा इधर उधर के करते हुए उसी को आप चला रहे हो। मार्क टुली ने स्वयं कहा है। तो इसलिए हमें इस मानसिकता से बांधना चाहिए, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। स्वाधीन है हम, स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता के तरफ जाना, ये श्रेष्ठ भारत के लिए एक आवश्यक प्रयत्न होगा। इसलिए इसमें स्व क्या क्या है, भारत के स्व किसमें हैं, तो भारत के स्व यहां के जीवन दर्शन में है। दुनिया को, विश्व को कैसे देखते हैं, इसको अंग्रेज में वर्ल्ड व्यू जो कहते हैं, भारत के विश्व दृष्टि क्या है, भारत मनुष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में कैसे सोचा है, भारत ने अन्यान्य पथपंथ संप्रदायों के बारे में किस प्रकार से विचार किया, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भारत के मिट्टी से कौन से विचार और संदेश दुनिया के मानवता के लिए उभर कर आया, यह भारत के स्व है। तो इसलिए यहां के व्यक्ति जीवन के लिए, भौतिक जीवन के उच्चराय स्थिति, उन्नति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए 64 प्रकार के कलाओं के यहां विकास हुआ। जीवन को आनंद से जीने के लिए यहां के लोगों ने प्रयत्न किया, हर प्रकार से आनंद। इसलिए इतने प्रकार के त्योहार, इतने प्रकार के पर्व, इतने प्रकार के संगीत, विनोद, नृत्य, आनंद से रहो, जीवन के इस प्रकार से अनुभव करना चाहिए। तो इसलिए हर प्रकार के आनंद, हर प्रकार, इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, भागने वाले कुरुक्षेत्र से, रण से अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते क्यों भाग रहे हो, तुमको रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, यह तुम्हारे जीवन की नियति है। इसलिए जीवन के प्रश्नों से डर कर लड़ना यह भारत ने कभी नहीं कहा। जयम देही
हमें वेद के मंत्रों में ये कहा है। हमें क्या चाहिए? हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमें जय दो। हमने इस भगवान से क्या मांगा है? अपने लोगों ने, पूर्वजों ने, हमने पुरुषार्थ मांगा है। हमने भगवान से पुरुषार्थ मांगा ताकि हम इस जीवन के जीने के काबिल हों। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, आप सब लोग जानते ही हैं, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध नहीं है वह काम, मैं हूं। इसलिए अर्थ और काम यह पुरुषार्थ के नाते सोचा है भारत के लोगों ने, लेकिन यहां तक जीवन के चित्र को समाप्त नहीं किया। जीवन के चित्र को पूरा करने के लिए भारत के लोगों ने सोचा यह जीवन का एक पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके साथ साथ जीवन के दूसरे जो उसके भी उन्नत, उससे भी महत्वपूर्ण पक्ष है, वह निःश्रेयस का है, अध्यात्म के है, धर्म मार्ग पर चलने का है। इन दोनों में संतुलन रखते हुए जीवन के चलना चाहिए। वो व्यक्ति के, कुटुंब के, व्यावसायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन के हर आयाम में भौतिकता के उन्नति और पारमार्थिकता के बारे में चाह, उस तरफ जाने की तैयारी, ये दोनों के संतुलन चाहिए। यही हमने विश्व को यह संदेश दिया। इसलिए हमारे यहां सब प्रकार के जीवन के उपभोग करने के हर क्षेत्र में अपने लोगों ने कई मंजिलें हासिल की हैं। वो संगीत है, नृत्य है, शिल्प है, वर्ण है, सब प्रकार के जीवन का उपभोग करो, लेकिन समझो ये सब चीजें क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। इस सुख को मैं उपभोग करने के बाद भी शाश्वत सुख और कुछ है। इस ज्ञान को, इस आत्म तत्व को समझना चाहिए। इसलिए जीवन की व्यवस्था भी हमने की, आश्रम व्यवस्था की। तो इसलिए भारत के स्व को समझकर युगानुकूल उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, युगानुकूल उसको कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, भारत के मनीषा, भारत के प्रतिभा इसमें कम नहीं है। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के अंदर जो संघर्ष हुआ स्वतंत्रता के, उस समय के मूर्धन्य विद्वानों को आप सूची देखिए, रामकृष्ण परमहंस से लेकर दुनिया के किसी भी देश के विद्वानों के तुलना में हमारे देश के ऐसे लोग विद्वत्ता में, ज्ञान में कम नहीं थे। आप सूची निकाल कर देखिए, क्या कम थे वो? ऐसे नहीं थे। क्या रामकृष्ण, क्या महर्षि अरविंद, क्या विवेकानंद, मैं सूची पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। तो इसका अर्थ यह है, हम अपने देश के जीवन दर्शन को इस युग के लिए कैसे चाहिए। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा, विदेश में जो अच्छी बातें हैं विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाइए, स्वदेश के जो अपने विचार हैं प्राचीन युगों युगों से जिस विचार को हम लेकर चले हैं उसको युगानुकूल प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए विचार शाश्वत होते हैं, रचनाएं वो तात्कालिक होते हैं। इस युग के लिए जैसे चाहिए ऐसे बनाना पड़ता है। सत्य शाश्वत है, उसके अभिव्यक्ति आज कैसे करने चाहिए वो वर्तमान पीढ़ी के अपने अनुभव, विद्वत्ता, प्रतिभा और ज्ञान के आधार पर करना पड़ेगा। श्रेष्ठ भारत निर्माण करने के लिए ऐसे समाज को तैयार करना आवश्यक है। हम अमृत काल में इस विषय की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या है भारत के सामने, वो जो वैचारिक गुलामी की बात मैंने बताई उसके और एक स्थिति भी है। भारत के बारे में विकृत ढंग से भारत के विचार को, भारत के समाज को, भारत के इतिहास को
रखने के एक प्रयत्न चला है. डिस्टॉर्शन ऑफ एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद भारत, यह भी एक षड्यंत्र है. यह भी एक देश के अंदर देश के बाहर कई लोगों ने इसके भी प्रयत्न किए हैं. तो इसलिए भारत के सही चित्र क्या है, भारत के इतिहास के बारे में विकृत इतिहास करना, भारत के जो एक एकात्मता है हिमालय से लेकर हिंद सागर तक, राष्ट्र के नाते हम एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है, लेकिन उसको किसी न किसी रूप से अलग ढंग से रखने का प्रयत्न होता है. नहीं, एक राष्ट्र नहीं है भारत, कभी एक राष्ट्र नहीं था, इसलिए अनेकों राष्ट्रों के एक जमघट है. 1947 के बाद एक भारत बना. हम हमेशा अंधकार में रहे, यहां सब प्रकार के शोषण होता रहा, हमारे कोई अचीवमेंट नहीं है, यहां हमेशा महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, यहां शिक्षा नहीं थी. लेकिन इन विषयों को पिछले 50 वर्षों में कई विद्वान लोगों ने आधार सबूत के साथ, रामस्वरूप जी, सीताराम गोयल, धर्मपाल जी, ऐसे बड़े प्रवृत्तियों ने सबूत के साथ इन विषयों को नकारा है. भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी ने लिख कर रखा. अंग्रेजों ने ही जो सर्वे करके विचार रेखा था उसको रखा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे देश अंग्रेज आने से पहले कैसे था, धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी. तो इसलिए इस देश में ऐसे कार्य हुआ नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन समाज के मुख्य धारा में वो ना आए ऐसे प्रयत्न पिछले 50-70 वर्षों में लगातार चलने के कारण हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे मीडिया के क्षेत्र में, यहां के विचारिक वैचारिक बौद्धिक क्षेत्र में एक विकृत भारत के बारे में विकृत ढंग से रखने के ये प्रयत्न होने के कारण भारत के आत्मविश्वास जो जगना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ गई. इसलिए इस स्व को जागृत करने के लिए भारत के नैरेटिव को ठीक करना पड़ेगा, सत्य के आधार पर करना पड़ेगा, केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं. सत्य है और भारत के सीखने के विचार का सृजन करने के कोई क्रम जो है, प्रवाह जो है, वो बंद हो गया ऐसे नहीं है, वो आगे भी बढ़ना चाहिए. किसी भी समाज हजारों साल पहले के ज्ञान वो हो गया बंद, ऐसे भारत ने कभी नहीं सोचा. सत्य के आविष्कार निरंतर चलता रहेगा, ज्ञान के नए नए दिगंत, नए नए क्षितिज खुलते जाएंगे, क्यों नहीं, यह होना चाहिए. और भारत के मिट्टी में ऐसे मूर्धन्य लोग आने वाले संतानों में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे. इसलिए ऐसे एक आत्मविश्वास के भारत को जगाना है तो यह अमृत समय है, क्योंकि भारत एक करवट ले रहा है, भारत की एक मान्यता बढ़ रही है, भारत के अंदर एक जागृति हो रही है, भारत की एकता और एकात्मता के अनुभव लोगों को आ रहा है. इसलिए यहाँ के भारत से संबंधित कई विषयों के बारे में लोग अभी सीखने के, अध्ययन करने के, शोध करने के लिए तैयार हो रहे हैं. कई लोग, विदेश में रहने वाले लोग, वहाँ के बड़े बड़े स्थान को छोड़कर भारत में आकर काम करने के लिए आए. बंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है कुछ वर्ष पहले. मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एक ही इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ. उस विचार को कैसे शुरू हुआ, श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य, उन्होंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मार्गदर्शन किया, आर्थिक व्यवस्था भी कुछ किए उन्होंने. श्रृंगेरी के सन्यासी श्री शंकराचार्य, उन्होंने क्या विचार कहा, उन्होंने कहा देखो, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के, नए नए टेक्नोलॉजी के जो जो क्षेत्र है उसमें हमारे भारत की दृष्टि से
रिसर्च होना चाहिए, इसलिए आप संस्था शुरू करो। मैं उस संस्था में दो बार देख कर आया, अभी अभी उसके सरकार के केंद्र के नीति आयोग की तरफ से कुछ आर्थिक व्यवस्था हुई, सहायता मिली। उन्होंने एक सरकार के आर्थिक सहायता की तरफ देखे भी नहीं पहले, समाज से पोस्ट करके उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया 11 क्षेत्रों में तंत्रज्ञान के विभिन्न प्रकार के किए। उसमें कार्य करने के लिए जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जाकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, ऐसे लगभग 6-7 लोग केवल ये भारत से हो रहा है। और पूज्य शंकराचार्य जी ने इस विषय के लिए आशीर्वाद दिया है, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहां आकर काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। इग्नाइट करके तमिलनाडु में, चेन्नई में एक संस्था शुरू की है, वो वहां के टाटा लोगों ने उसको शुरू किया है। वहां कई प्रकार के स्किल्स के तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां युवतियां आकर सीख रही हैं, वो ट्रेनिंग देने वाले बन रही है, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन बनाना, ये ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां आकर वो सीख रही हैं। तो उसके करके उनमें से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारे वर्तमान पीढ़ी जो है वो इन विषयों को आत्मविश्वास से लेकर जाने के लिए तैयार है, लेकिन समाज के नेतृत्व वो आवश्यक है। एक वातावरण चाहिए, एक इकोसिस्टम बनाने पड़ेगी। भारत में वी कांट ऐसे करने वाले एक क्लब है, इंडिया कांट, इंडिया कैन ऐसे करने वाले लोग चाहिए। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, समाज में ऐसे एक वातावरण चाहिए। श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए इसकी आवश्यकता, हम ज्ञान के, विज्ञान के, तंत्र ज्ञान के नए नए क्षेत्रों में जाएं, जैसे अभी गीत में विषय आया, एक पंक्ति उसमें आई, हम अपने विदेशी मानसिकता से मुक्त करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए इन विषयों को अपने अपने क्षेत्र में चर्चा करें, मंथन करें। अपने देश में ऐसे क्षेत्रों में कैसे जा सकते हैं, कुछ क्षेत्र शासन के हैं, वो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, न्याय कानून की व्यवस्था है, सुरक्षा के, विदेश नीति है, वो सरकार करेगी, ठीक है। लेकिन हमारे मठ मंदिर के संचालन है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया कृषि विज्ञान के क्षेत्र में करने वाले प्रयोग है, क्रीड़ा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ऐसे क्षेत्र हैं, ये सब समाज के लोग कर सकते हैं, हजारों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, कर भी रहे लोग, उसको पोषण मिले, बल मिले, प्रोत्साहन मिले, यह होना चाहिए। ऐसे यदि हम इन क्षेत्रों में समाज के पुरुषार्थ को, समाज के प्रतिभा को जागृत करने के लिए आवश्यक वातावरण का यदि निर्माण करेंगे, तो इस अमृत काल में हम भारत को श्रेष्ठ बनाने के दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो भारत को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग भारत के बारे में विकृत दृष्टि से करने का प्रयत्न करेंगे, इतने नहीं, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाकर भारत को कैसे दबा सकते हैं, ये प्रयत्न करेंगे। इसलिए उसके जागृति, उसके संदर्भ में आवश्यक जागरण करना, ये भी भारत को श्रेष्ठ बनाकर रखने के लिए महत्व के हैं, ये भी करना पड़ेगा। इसलिए भारत विरोधी तत्वों के, भारत विरोधी कृत्यों के लिए समाज को जागृत करने के लिए चौकन्ना रहकर, सावधान रहकर, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का कार्य नागरिक के नाते हम लोगों के एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। और जो अच्छे काम करने के लिए दो कदम आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हम अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा।
स्वामी विवेकानंद ने कहा, दोज हु आर ट्राइंग टू डू गुड एंड दोज हु आर डूइंग गुड एंड ट्राइंग टू डू गुड सपोर्ट देम। हुआ नहीं, बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, क्या होता है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, हमको करना पड़ता है। हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है नागरिक के नाते, सब सरकार करे, सरकार के तरफ देखे। सरकार आश्रित समाज का निर्माण नहीं करना है, समाज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयत्न करे, सरकार उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाए, अनुकूल व्यवस्था करे, ऐसे एक समाज को निर्माण करना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारा काम है ही नहीं। लोगों को लगता है एनएसएस के एनसीसी के लोग आकर गांव की सफाई करके जाएंगे तो गांव के लोग अरे पिछले सोमवार तो आए थे, वो भी आए नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे, समाज को कब काम में लगाएंगे। एशियाड के जो क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई भारत में कई वर्ष पहले, उस समय एक युवती किसी देश से आई थी, कोरिया से या कोई साउथ ईस्ट एशिया से, वो सब एशियाड समाप्त होने के बाद वो कुछ समय के लिए भारत में रुकी थी, भारत देखने के लिए। वो कोलकाता में किसी एक परिचित व्यक्ति ने उनको गेस्ट के नाते अपने इसमें रखा था, घर पे रुकाया था। वो भारत में देख के आई, कलकत्ता में भी एक सप्ताह रही होगी। उन्होंने कुछ मित्रों को बुलाया चाय के लिए और इनके विदाई कार्यक्रम। तो संवाद अनौपचारिक चलता रहा, तो किसी एक सज्जन ने पूछा इस युवती से, आपने भारत को देखा? हाँ देखा। कलकत्ता में? हाँ। कलकत्ता के बारे में क्या लगा आपको? अच्छा है, सामान्यता अतिथि क्या कहेंगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे वो बताया। नहीं नहीं आप बताइए, कलकत्ता में कोई कमी नहीं दिखी? उन्होंने दो तीन बार कोसने के कारण उस युवती ने बोल दिए, कलकत्ता में वाक व्यवस्था अच्छा है लेकिन सड़कों में इतने कचरा रहता है, इतने गंदगी है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ऐसे उन्होंने एक वाक्य बोल ही दिया। तो तुरंत उस सज्जन ने कहा, मैडम डू यू नो देर आर 1 crore पीपल लिविंग इन कोलकाता, कोलकाता में 1 crore लोग रहते हैं, आपको मालूम है? यानी इसका अर्थ वो होगा ही गंदगी से। तो तुरंत उस युवती ने पूछा, हाउ मेनी मोर पीपल यू वांट टू कीप क्लीन, कीप कलकत्ता क्लीन? आपको कलकत्ता को स्वच्छ रखने के लिए 1 crore लोगों से ज्यादा चाहिए क्या? यानी हर व्यक्ति को क्या लगता है, गंदा करना मेरा काम है, स्वच्छ करना कॉरपोरेशन का है। वो कॉरपोरेशन का आदमी भी कहता है वो मेरा काम सैलरी लेने का है, करेगा कौन? अभी नागरिक कर्तव्य के बारे में आपने कहा, तो प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण के अंत में यही कहा, सरकार जो करेगी करेगी लेकिन नागरिक कर्तव्य भी है, नागरिक अनुशासन, नागरिक जागृति, नागरिक कर्तव्य, नागरिक बोध, ये कहां से शुरू होगा? स्वच्छता के बारे में देश में एक जागृति आई तो अब घर के बच्चे बड़ों को कह रहे हैं, पापा वहां नहीं फेंकना। एक एक मुहिम से, एक थोड़े से आग्रह करने से पीढ़ी ने सीख ली। समाज में ऐसे कई विषयों के बारे में सामाजिक क्षेत्र के नेतृत्व करने वाले हम समाज के नागरिक अपने अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से इस प्रकार के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम गांव के विकास के संदर्भ में, समाज के समरसता के विषय में, हमारे मंदिरों के स्वच्छता सफाई कौन करे? भक्त जाएगा लेकिन मंदिर के सफाई का मेरा काम नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कितने बातों के बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो इसलिए भारत के श्रेष्ठ बनाने के लिए समाज के जागृति, समाज के एक संगठित प्रयत्न, छोटे छोटे ग्रुप में, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हम विश्व के चिंता करते हैं भारत के लोग, लेकिन अपने घर के इस इर्द गिर्द के, अपने गांव के, अपने बस्ती के, मोहल्ले के भी कुछ करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से जागृति और एक्शन करना
कर्तव्य ये दोनों चाहिए। तो इस दृष्टि से भारत के सामने के अंदर के बाहर की चुनौती, देश को तोड़ने वाले, इसके बारे में एक, दूसरा हमारे समाज के एक संगठित स्थिति और अपने समाज के अंदर के जो भारत के एक आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति को बढ़ाना, हर क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयत्न, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, एक मुहिम जापान के बारे में और किसी जर्मनी के बारे में, हर चीज़ को वो क्वालिटी से बनाते हैं, उनके समाज जीवन क्वालिटी के है ऐसे कहते, हम भी करें। तो गुणात्मकता के आग्रह, इसलिए गुणवत्ता की पूजा, यह भी आवश्यक है। और भारत में एक विरोधाभास है इस विषय में, दलाई लामा के नाम से एक इंग्लिश कविता थी, उसके हिंदी किसी ने किया है, तो उसके कुछ पंक्ति मैं आपके सामने कहता हूँ। हमको कैसे सोचना है, क्या हो गया है, क्या हमारे पास ऊंची इमारतें हैं लेकिन टेम्पर थोड़ा शॉर्ट है, व्यापक मुक्त तरीके है लेकिन संकीर्ण दृष्टिकोण है, हम अधिक खर्चा करते हैं लेकिन हमारे पास कम कमाई है, हमारे पास बड़े घर हैं परिवार छोटे हैं, अधिक सुविधा है, समय कम है। लोग कहते हैं सोशल सर्विस करना, उसके लिए टाइम नहीं है, चाहे तो आप 1000 रुपए ले लो, टाइम नहीं है। तो आगे जाकर दलाई लामा ने लिखा है, हमारे पास डिग्रियां ज्यादा हैं लेकिन समझ कम है, अधिक ज्ञान लेकिन कम निर्णय, अधिक विशेषज्ञ हो गए लेकिन अधिक समस्याएं भी हैं, अधिक दवाएं हैं, स्वास्थ्य कम है, हमने भौतिक साधनों को तो खूब बढ़ा लिया है लेकिन हमारे मूल्यों का क्षरण हो गया है, हम बातें ज्यादा करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं, प्यार बहुत कम करते हैं और नफरत भी अधिक होते हैं, हम टेक्नोलॉजी में ज्यादा गए, ये मेरी पंक्ति है, हम मोबाइल से दूर के व्यक्ति को तो संपर्क रख रहे हैं लेकिन मेरे पड़ोसी से बात नहीं करते, दादी माँ से मिलने के लिए परिवार के लोग अलग अलग जगह से, कोई हैदराबाद से, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई मुंबई से भोपाल में आया दादी माँ से मिलने के लिए, और चित्र आया दादी माँ से, वो मिल रहे हैं, कैसे, कोई लैपटॉप लेकर वहाँ बैठा है, कोई मोबाइल लेकर यहाँ बैठा है, कोई उधर बैठा है, बेचारे दादी माँ बैठी है, मुझसे मिलेंगी, कोई मिलने तो आए थे दादी माँ से लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो हम जीना सीख लिया है लेकिन जीवन नहीं सीखा, हमने जीवन में वर्षों को जोड़ा है लेकिन जीवन को वर्षों में नहीं, हम सभी तरह से चांद और वापस हम चांद में गए और वापस आए लेकिन नए पड़ोसी को मिलने के लिए सड़क पार करने में हमें तकलीफ है, हमारे बाहरी अंतरिक्ष को हमने जीत लिया है लेकिन आंतरिक स्थान को नहीं जीता है, हमने हवा तो साफ कर दी लेकिन अपनी आत्मा को प्रदूषित करके रखे हैं। सत्यमूर्ति करके एक स्वतंत्रता सेनानी तमिलनाडु में हुए, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, इफ इंडिया लिव्स हु डाइस, इफ इंडिया डाइस हु लिव्स। नमस्कार।